हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो फ्रॉम दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 4, दैट इज़ एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ डबली रीइंफोर्स सेक्शन. ओके, सो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैड ऑलरेडी कवर्ड द फाइनल पार्ट ऑफ एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन. सो लेट डिस्कस अबाउट डबली रीइंफोर्स सेक्शन एंड व्हाट्स इट्स यूज एंड व्हाई डबली रीइंफोर्स सेक्शन इज रिक्वायर्ड. ओके, देखते हैं हम लोग कि डबल इन्फोर्स सेक्शन का ज़रूरत क्यों पड़ा है और डबल इन्फोर्स सेक्शन क्या होता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और कहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है. तो इन्हीं सारे टॉपिक्स के बारे में भी हम डिस्कस करने के लिए ये यूनिट नंबर 4 का पहला लेक्चर हमने यहाँ पे एडजस्ट किया है. तो देखिए, सबसे पहले आप लोग जैसे जानते हैं कि बीम का जो क्रॉस सेक्शनल पार्ट होता है, उसमें दो पार्ट होता है ना. इस तरीके अगर हम ड्रॉ करें, अगर क्रॉस सेक्शनल पार्ट बीम का अगर हम इसे न्यूट्रल एक्सिस से डिवाइड करें, ये अगर हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, तो जो टॉप वाला पार्ट होता है ये होता है कंप्रेशन जोन. क्या होता है? कंप्रेशन जोन. नीचे वाला पार्ट होता है टेंशन जोन. ठीक है, और टेंशन जोन में ही हम लोग रिइंफोर्समेंट को क्या करते हैं, इम्बेड करते हैं, है ना. तो देखिए, अगर हम सिर्फ और सिर्फ टेंशन जोन में रिइंफोर्समेंट को इम्बेड करें तो वैसे सेक्शन को कहा जाता है सिंगली रिइंफोर्स सेक्शन. ठीक है, लेकिन अगर हम इसके अलावा स्ट्रेंथ के पर्पज़ के लिए अगर हम कंप्रेशन जोन में भी रिइंफोर्समेंट का यूज़ करें, कहाँ पर कंप्रेशन जोन में भी हम लोग यहाँ पर अगर रिइंफोर्समेंट का यूज़ करें तो वैसे सेक्शन को कहा जाता है डबली रिइंफोर्स सेक्शन. क्या कहा जाता है? डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन. क्या कहेंगे? डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन. ऐसे सेक्शन को कहा जाता है डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन. ठीक है, अब देखिए, अगर इसका नीड यानी इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, इसको हम लोग देख लेते हैं, है ना. नेसेसिटी ऑफ डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन क्या है? तो देखिए, मैं सिंपल लैंग्वेज अगर आपको समझाऊँ तो मान लो कि ये हमारा बीम है, है ना. बीम का ये न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस है, और बॉटम जोन में हम लोगों ने टेंसाइल रिइंफोर्समेंट को क्या किया है, इम्बेड किया है. तो ये बीम जो है, बीम अगर हमें इससे ज़्यादा मोमेंट लेने की ज़रूरत पड़ी, यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर इससे ज़्यादा हमें प्रोवाइड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या तो करना पड़ेगा कि हम स्टील में जो स्टील हम इसमें प्रोवाइड किए हैं उस स्टील के क्वान्टिटी को बढ़ाएँ, है ना. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम रिइंफोर्समेंट को यहाँ पर डाल देते हैं. इससे हमारा क्या होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, MR की वैल्यू जो है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू, इन मोमेंट लेने की जो कैपेसिटी है बीम की, वो इंक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है, या फिर हम दूसरे केसेस में, या तो हम ओवर रिइंफोर्स सेक्शन को प्रोवाइड कर सकते हैं. कौन सा सेक्शन? ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन. लेकिन ओवर रिइंफोर्स सेक्शन को जनरली हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम ओवर रिइंफोर्स सेक्शन को नहीं प्रोवाइड करें. इसलिए अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो ऑप्शन हमारा डबली रिइंफोर्स सेक्शन. तो इसलिए हमें डबली रिइंफोर्स सेक्शन की क्या पड़ी, रिक्वायरमेंट पड़ी, ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज़्यादा लेने के लिए हमें स्टील के क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा. या तो हमें वहाँ पर डबली रिइंफोर्स सेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा, या तो फिर हम अगर ओवर रिइंफोर्स सेक्शन प्रोवाइड करें तो भी होगा, लेकिन ओवर रिइंफोर्स सेक्शन को हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो फेलियर होता है वो क्या होता है, सडन होता है, यानी डक्टाइल होता है, सॉरी ब्रिटल होता है. तो वहां पे कोई भी वार्निंग साइन नहीं मिलता है हमें फेल होने से पहले. तो वैसे स्ट्रक्चर को कोलैप्स क्या होता है, विदाउट वार्निंग होता है. इसलिए हम ओवर इन्फोर्स सेक्शन को तो अवॉइड करते हैं, इसलिए हम यहां पे क्या करेंगे, डबल इन्फोर्स सेक्शन को प्रोवाइड करते हैं. तो डबल इन्फोर्स सेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, ये मैंने आपको बताया. ठीक है, एक बार हम पढ़ लेते हैं यहां पे जो लिखा हुआ है. देखिए, द आरसीसी बीम इन विच द स्टील रिइंफोर्समेंट इज प्लेस्ड इन टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन जोन आर कॉल्ड डबली रिइंफोर्स सेक्शन. द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बैलेंस्ड आरसीसी बीम ऑफ डायमेंशन बी बाई डी इज आर बी डी स्क्वायर. समटाइम ड्यू टू हेडरूम कंस्ट्रेंट और आर्किटेक्चरल कंसिडरेशन द साइज ऑफ द बीम इज रिस्ट्रिक्टेड. यानी कि जो आप, हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्पेस है वो हमारा रिस्ट्रिक्टेड है. ठीक है, और हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाना है. ठीक है, यानी हमारा डायमेंशन सेम है. उस केसेस में क्या होगा, मान लो कि आपका डायमेंशन बी बाई डी ही है, अब आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या करना है, इंक्रीज करना है. ठीक है, और आपके पास स्पेस क्या है, लिमिटेड है. तो आप क्या करोगे, वहाँ पर दो ही ऑप्शन बचता है हमारे पास. उसमें हम, क्योंकि हमारा एरिया तो कॉन्स्टेंट है, ये क्या है, ये कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बचता है कि हम लोग जो हमारा लोहा है यानी जो स्टील है उसके क्वांटिटी को बढ़ा दें, यानी कि हम सेक्शन को ओवर रिइंफोर्स कर दें.
है ना, एक ऑप्शन तो ये होता है, और दूसरा ऑप्शन होता है कि हम यहाँ पे वो डबली इन्फो सेक्शन प्रोवाइड कर दें। लेकिन ये जो पहला केस है ना, इसको अवॉइड किया जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब लिमिट स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है हम लोग उस समय डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं, द ऑप्शन वन इज़ नॉट गुड बिकॉज ओवर इन्फो सेक्शन आर अनइकोनॉमिकल एंड द फेलियर ऑफ दिस बीम इज सडन विदाउट वार्निंग, है ना। देयरफॉर इट इज़ बेटर टू यूज डबली इन्फोस्ड बीम सेक्शन इन विच सर्कमस्टांसिस द एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइडेड इन द टेंशन एंड कंप्रेशन जोन कंस्टिट्यूट द एडिशनल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। दिस चैप्टर इंक्लूड्स द एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ डब्ल्यू इन्फोर्स बीम बाय लिमिट स्टेट एंड बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो हम लोग को वर्किंग स्ट्रेस मेथड से अभी नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ लिमिट स्टेट मेथड से पढ़ना है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे वो फर्स्ट लेक्चर में, यानी फर्स्ट यूनिट के लेक्चर में मैंने उसे डिस्कस किया था, तो उतना ही था। बाकी जितने भी सारे पढ़ने हैं सारे के सारे लिमिट स्टेट के अंदर में है, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना है कहाँ से कहाँ तक, लिखना सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, नीचे वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है। सब मैंने समझाने के लिए सिर्फ बताया है आपको, यहाँ तक आप लिख लेंगे लेक्चर नोट्स में, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, नेसेसिटी ऑफ डब्ल्यू इन्फो सेक्शन। ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है बार बार इंटरव्यू में भी कि नेसेसिटी क्यों है, डब्ल्यू इन्फो सेक्शन आखिर क्यों प्रोवाइड कर रहा है अगर सिंगल इन्फो सेक्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहला है कि हमारे पास क्या होता है, डायमेंशन क्या है, कॉन्स्टेंट होता है, यानी कि रिस्ट्रिक्शन होता है कि हमें इतना ही डायमेंशन में हमें उस बीम को स्ट्रेंथ यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि वहाँ पे हम एडिशनल इन्फोर्समेंट जो कि टेंसाइल जोन के अलावा हम लोग कंप्रेसिंग जोन में डालते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिससे हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है सेक्शन का वो इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। तो पहला है वेन द डायमेंशन बी बाई डी ऑफ द बीम आर रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि वो रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पे, उस यानी वहाँ पे हम उस बीम के साइज़ को इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ हेडरूम, आर्किटेक्चरल ऑफ स्पेस कंसिड्रेशन एंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन इज लेस दैन द एक्सटर्नल मोमेंट, है ना। यानी कि जो आप एक्सटर्नल मोमेंट बीम पे, आपका जो बीम है इस पे आप जो एक्सटर्नल मोमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एक्सटर्नल मोमेंट यहाँ आ रहा है, अगर सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन के मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से क्या होगा, ज़्यादा होगा, जब आपका मोमेंट जो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा तो आपका सेक्शन कोलैप्स कर जाएगा, यानी एम का वैल्यू अगर एम आर से ज़्यादा हो जाए तो आपका बीम कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। और आपके पास स्पेस भी उतना अवेलेबिलिटी नहीं है कि आप डायमेंशन को बढ़ा सकते, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको एडिशनल इन्फोर्समेंट इम्बेड करना पड़ेगा जो कि कंप्रेशन जोन में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मतलब अपार्ट फ्रॉम टेंशन जोन आपको कंप्रेशन जोन में भी रिइंफोर्समेंट को देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि आपका बीम का जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे डब्ल्यू इन्फोर्स सेक्शन को प्रोवाइड कर रहे हैं। पहला तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसमें जितने भी सारे पॉइंट डिस्कस करने सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है ना, पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, इसलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि क्यों प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देखिए सेकंड नंबर है, व्हेन द एक्सटर्नल लोड में अकर ऑन आइदर फेस ऑफ द मेंबर, दैट मीन्स द लोड आर अल्टरनेटिंग और रिवर्सिंग एंड मे कॉज टेंशन ऑन बोथ फेसेस ऑफ द मेंबर, ठीक है। देखो अब क्या है दूसरा में, व्हेन एक्सटर्नल लोड, जो एक्सटर्नल लोड हम बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं वो मेंबर के आइदर फेसेस में है, दोनों साइड में है, यानी लोड क्या है अल्टरनेटिंग और रिवर्सिंग है, उस केसेस में भी आपको डबल इन्फोर्स सेक्शन की ज़रूरत है। व्हेन द लोड्स आर इसेंट्रिक, अब लोड क्या है, इसेंट्रिक है, एक होता है कंसेंट्रिक एक होता है इसेंट्रिक, तो अगर इसेंट्रिक लोडिंग है वहाँ पे तो वहाँ पे भी हमें क्या पड़ता है डबल इन्फोर्स सेक्शन की ज़रूरत होती है। व्हेन द बीम इज सब्जेक्टेड टू एक्सीडेंटल और सडन लेटरल लोड्स, है ना, अगर सडन लेटरल लोड्स आ रहा है बीम पे या एक्सीडेंटल अचानक कोई भी लोड्स आने वाला है तो वहाँ पे भी डबल इन्फोर्स सेक्शन की हमें रिक्वायरमेंट होती है। इन द केस ऑफ कंटिन्यूस बीम और स्लैब द सेक्शन एट सपोर्ट आर जनरली डिजाइन एज डबल इन्फोर्स सेक्शन, ठीक है। कंटिन्यूस बीम और स्लैब की हम बात करें तो जो सपोर्ट होता है वहाँ पे भी हम लोग डबल इन्फोर्स सेक्शन के रूप में उसे डिज़ाइन करते हैं। तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि डबल इन्फोर्स सेक्शन की हमें ज़रूरत यानी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, ओके। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर्स काफ़ी समझ में आ रहा होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेक्शन भी, ये सेक्शनल पार्ट है जो हम अभी बता रहे हैं डबल इन्फोर्स सेक्शन का, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब एनालिसिस कर लेते हैं डबल इन्फोर्स बीम का कि क्या होता है, ठीक है। अगर आपने सिंगल इन्फोर्स सेक्शन को अच्छे से समझा है तो डबल इन्फोर्स सेक्शन को समझना भी आपके लिए काफ़ी आसान होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके सेक्शनल पार्ट को समझ लेते हैं कि आखिर डबल इन्फोर्स सेक्शन में हमें क्या क्या पढ़ने हैं। देखिए सबसे पहले आप फिगर देख करके क्लासिफाई कर रहे होंगे कि देखिए ये बीम है, और बीम में देखिए यहाँ पे एएसटी की वैल्यू को प्रोवाइड किया गया है, यानी एरिया ऑफ स्टील, और बीम का जो डायमेंशन है वो बी बाई डी है, यानी ब्रिथ बी है, और इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू क्या है स्मॉल डी है। मैंने आपको बताया था कि इफेक्टिव डेप्थ जो होता है बीम का जो टॉप मोस्ट कंप्रेशन जोन का जो सरफेस है वहाँ से लेकर के बीम का जो
टेंशन वाला रिइंफोर्समेंट है यानी जो स्टील है उसके सेंटर तक वाले पार्ट को इफेक्टिव डेप्थ कहा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो इफेक्टिव डेप्थ आपको मिलेगा, एक मिलेगा कि जो टेंशन साइड में जो स्टील है उसका इफेक्टिव डेप्थ मिलेगा जिसको स्मॉल डी से डिनोट किया गया है। अब देखिए एक और इफेक्टिव डेप्थ का वैल्यू आपको मिलेगा जो कि क्योंकि यहाँ पे एडिशनल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है जो कि कंप्रेशन जोन में भी है। तो देखिए यहाँ पे एएससी से डिनोट किया गया है, एएससी मतलब व्हाट, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन। एएससी मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ, अगर एएससी की वैल्यू लिखे तो एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट, एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट सब लिखा रहेगा, एक बार मैं लिख देता हूँ कंप्रेशन जोन। तो देखो एएससी की वैल्यू है यहाँ पे एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट इन कंप्रेशन जोन, तो यहाँ पे स्मॉल डी डैश यहाँ दिया गया है यानी जो कंप्रेशन जोन है उसका क्या है, हाँ इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू है स्मॉल डी डैश है, ये क्या है स्मॉल डी डैश। अब देखिए यहाँ पे ये, अब देखिए यहाँ पे इसका एनालिसिस किया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए टेंशन जोन में रिइंफोर्समेंट है, यहाँ पे इसको अलग कर दिया गया है प्लस। अब देखिए यहाँ पे कितना था, पाँच था है ना, तो तीन यहाँ है और दो यहाँ पे देखिए एस टी टू से रिप्रेजेंट किया गया है, और ऊपर में इसको कौन बैलेंस कर रहा है, कंप्रेशन वाला जो रिइंफोर्समेंट है ये बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्मॉल डी डैश है यानी कंप्रेशन जोन का जो कवर है और यहाँ पे स्मॉल डी का टेंशन जोन का कवर है ना, अब दोनों को माइनस कर दो, डी माइनस डी डैश यानी कि कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन के बीच का जो कवर का डिस्टेंस है यानी वो हो गया डी माइनस डी डैश, बाकी सेक्शन टू ये हो गया और सेक्शन वन ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक वो समझना है कि डबल इनफोर्स सेक्शन में यहाँ पे दो स्टील है, एक टेंशन जोन में भी है और एक यहाँ पे कंप्रेशन जोन में भी है, दोनों में स्टील है। अब दोनों को बराबर किया गया है यानी कौन किसको बैलेंस कर रहा है, तो एस टी वन जो है टेंशन जोन वाला रिइंफोर्समेंट है यानी सेक्शन वन में टेंशन जोन में ये एस टी वन है, तो एस टी वन एक यहाँ हो गया प्लस। अब इसमें से जो रिमेनिंग रिइंफोर्समेंट यहाँ बच गया ये यहाँ आ गया और इसको कौन बैलेंस कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है जो कंप्रेशन जोन का रिइंफोर्समेंट है यानी जो कंप्रेशन जोन का रिइंफोर्समेंट है ये इसको बैलेंस कर रहा है। बाकी जो सिस्टमेटिक डायग्रामेशन है मैंने पहले भी आपको बताया था सिंगल रिइंफोर्स सेक्शन के केसेस में, ठीक वही यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे वही चीज़ें यहाँ पे भी इमिट की गई हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो आपको फिगर है अच्छे से क्लासिफाई हो गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए सेक्शन वन जो ऊपर मैंने दिखाया था आपको कंसिस्ट ऑफ सिंगली रिइंफोर्स बैलेंस सेक्शन हैविंग एरिया ऑफ स्टील एएसटी वन एंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एम यू लिमिट। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा जो स्टील बचा हुआ है हमारा एस टी टू वो किसको बैलेंस करेगा, जो एडिशनल रिइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड किए हैं उसके लिए है वो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है सेक्शन टू कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन स्टील ए एस सी एंड एडिशनल टेंसाइल ए एस टी टू कॉरस्पॉन्डिंग टू ए एस सी। ठीक है ना, ए एस टी टू जो मैंने ऊपर दिखाया था आपको वो किसको बैलेंस कर रहा है, ए एस सी को यानी एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन जोन। ठीक है, द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस बीम सेक्शन एम यू टू, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा एम यू टू, तो एम यू क्या हो जाएगा, एम यू बराबर हो जाएगा जो पहला वाला सेक्शन था उसके कारण जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा है यानी एम यू लिमिट बैलेंस सेक्शन के लिए हो गया, और प्लस जो एक्स्ट्रा आपने एडिशनल इन्फोर्समेंट प्रोवाइड किया है उसके कारण जो रेजिस्टेंस आ रहा है ये हो गया एम यू टू। यानी टोटल अगर हम बात करें तो एम यू बराबर हो गया एम यू लिमिट प्लस एम यू टू। ठीक है, एक बार और ऊपर चलते हैं ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे पहला तो आपका सेक्शन हो गया, एक सेक्शन हो गया। अब इस सेक्शन को दो पार्ट में यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है, एक सेक्शन जो है ये हो गया आपका, ये देखिए ये जस्ट लाइक इसका है सिंगल इन्फो सेक्शन के जैसा है। तो सिंगल इन्फो सेक्शन में आप देखते थे कि हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, बॉटम वाले पार्ट में इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करते थे, ये हो गया, और प्लस जो आप एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसके कारण जो रेजिस्टेंस होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा ओ। तो एक्स्ट्रा क्या हो गया, तीन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे थे यानी कि बैलेंस सेक्शन में तीन यहाँ हो गया, अब दो यहाँ बच गया एस टी टू वाला पार्ट, कौन वाला पार्ट एस टी टू। अब देखिए इसको बैलेंस कर रहा है जो कंप्रेशन जोन में रिइंफोर्समेंट है यानी कि एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन, तो ये जो टॉप सरफेस से इसका मिडिल का डिस्टेंस है यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि कंप्रेशन जोन का जो कवर है, क्या है कवर है, क्योंकि रिइंफोर्समेंट आप ऊपर में प्रोवाइड कर रहे हो तो इसके लिए भी कवर चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो वेदर कंडीशन उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए, इसके कारण वहाँ पर रस्टिंग या कोरोजन हो सकता है, छड़ के अंदर में जंग लग सकता है जो कि फाइनली जो है कोरोजन का एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। तो ये स्मॉल डी डैश यहाँ प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, अब देखो स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी जो है टेंशन जोन में जो रिइंफोर्समेंट है उसका कवर है, अब दोनों का डिस्टेंस हो गया
स्मॉल डी माइनस डी डैश, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया। तो एक तो हो गया एम यू लिमिट, एम यू लिमिट हो गया, और प्लस अब जो इसके कारण वो जो प्रोवाइड किया जा रहा है मोमेंट, यानी एम यू टू, यानी टोटल अगर हम मोमेंट की बात करें, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो एम यू लिमिट प्लस क्या हो जाएगा, एम यू टू, दोनों को जोड़ देंगे तब होगा ये, ठीक है। तो ये सेक्शन जो समझना था काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये दोनों सेक्शन मिल करके ये बना है डबली रिइंफोर्स सेक्शन। उसी के बारे में यहाँ पे नीचे क्या किया गया है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों जो सेक्शन है काफ़ी अच्छे से क्लैरिफाई हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब थोड़ा सा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को समझ लीजिए, जस्ट लाइक वैसे ही है जैसा कि आपने पहले समझा था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो ये जो बीम है, देखिए बीम के अंदर में ये जो पार्ट है ये आप देख रहे हैं, ये जो है टेंशन जोन में रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड किया है, और ये है कंप्रेशन जोन में, ठीक है। बाकी डी और डी डैश का सेम मीनिंग है जैसे कि मैंने आपको भी बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं, ये डायग्राम देखिए लाइक स्ट्रेन डायग्राम है, तो इस तरीके से, ठीक है, बैलेंस सेक्शन के लिए ऐसे होगा और ये न्यूट्रल एक्सिस से क्रॉस करेगा, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया भी था, ठीक वही चीज़ें यहाँ पे भी है, आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में जो स्ट्रेन होता है 0.0035 होता है, ठीक है, और टेंशन साइड में जो है 0.87 FY/ES प्लस 0.002 कॉमन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एडिशनल स्ट्रेन जो यहाँ पे वर्क करेगा वो होगा यहाँ पे कंप्रेशन जोन में जो रिइंफोर्समेंट है उसके जस्ट सामने में, ESC कहलाता है, क्या कहलाता है, इप्साइलन SC, यानी स्ट्रेन कंप्रेशन जोन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो सरफेस आउटर सरफेस है, यहाँ पे जो डिज़ाइन की वैल्यू है, डिज़ाइन स्ट्रेस की वैल्यू 0.446 यानी 0.45 FCK इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से है जो कि पैराबोलिक होता है, यहाँ पे आपको पता है ऑलरेडी ये वैसे पैराबोलिक होता है। अब देखिए यहाँ पे दो जो है ना कंप्रेशन फोर्स होगा, एक टेंसाइल फोर्स होगा, दो कौन कौन सा होगा, एक तो यहाँ पे देखिए C1 की वैल्यू होगी और एक होगी C2 की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए जो C1 का वैल्यू यहाँ पे काम कर रहा है वो 0.42 XU पे होगा, ये मैंने आपको पहले बताया था सिंगल रिइंफोर्स सेक्शन का जो एनालिसिस का पार्ट था उसके अंदर में, और एक यहाँ पे C2 काम कर रहा है जो कि एट द लेवल ऑफ स्टील काम कर रहा है, जो स्टील हमने दिया है कंप्रेशन जोन उसके लेवल में एक यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स काम कर रहा है, और बॉटम में जो टेंसाइल फोर्स है जो कि 0.87 FY/ST के बराबर है, ठीक है। अब देखिए अब जो C1 आपका फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है, ये जो C1 फोर्स एक्ट हो रहा है और जो यहाँ पे नीचे में टेंसाइल फोर्स एक्ट हो रहा है, उस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा, आप अल्टर सॉल्व कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, स्मॉल डी माइनस 0.42 XU, क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, डी है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 0.42 XU है, कितना है, 0.42 XU है, इसलिए जो रिमेनिंग जो डिस्टेंस हमारे पास यहाँ बच रहा है ये हो गया डी माइनस 0.42 XU, ठीक है। जो उम्मीद है कि ये जो डायग्राम है आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे, और ये डायग्राम समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए तो यही चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे, बी विड्थ ऑफ द बीम, XU डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम, FSC स्ट्रेसेस इन कंप्रेशन स्टील, डी डैश इफेक्टिव कवर टू कंप्रेशन स्टील, FCC स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एट लेवल ऑफ स्टील, ठीक है। ASC हो गया एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील, AST जो है एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील। तो ये सारे आपको नोट्स में कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको जैसे ऊपर में अभी बताया था, जस्ट लाइक सिंगल रिइंफोर्स सेक्शन के जैसा ही है, बस इसमें एडिशनल एक रिइंफोर्समेंट है, इसके कारण से इतना सारा कैलकुलेशन है, ठीक है। तो देखिए अब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आपको पता है कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कंप्रेशन फोर्स को टेंसाइल फोर्स के बराबर क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे दो कंप्रेशन फोर्स था, ठीक है, C1 प्लस C2, इसलिए C1 प्लस C2 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो C1 है फोर्स कैरिड बाई द कंक्रीट एरिया, C1 जो था ये किसके कारण, सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट एरिया के कारण जो फोर्स कवर्ड किया जा रहा था, ऐसे था ना हमारा, ऐसा था, ठीक है। तो यहाँ पे C1 एक्ट हो रहा था, यहाँ पे C2 इस तरीके से था, ठीक है। तो देखिए जो C1 था कैरिड बाय द कंक्रीट एरिया, कंक्रीट एरिया के कारण कितना कंप्रेसिव फोर्स है कैरिड किया जा रहा है, दूसरा था स्टील के कारण, किसके कारण, स्टील के कारण, जो आपने एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड किया था कंप्रेशन जोन में उसके कारण, ठीक है। तो C1 का वैल्यू आप कैलकुलेट करने के लिए ऑलरेडी जानते हो, कैसे कैलकुलेट करते हैं, 0.36 FCK B/XU, जैसे कि सिंगल रिइंफोर्स सेक्शन में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब देखो C2 का वैल्यू है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना। तो देखो ये देखो FSC into ASC - FCC into ASC, क्यों, क्योंकि कैसे निकालोगे C2 का वैल्यू, यानी टोटल जो हमारा क्या है कंप्रेशन स्टील है ना,
टोटल कंप्रेशन स्टील है और वहाँ पे कंप्रेसिव कंक्रीट भी है, दोनों है ना, तो दोनों में को हमको घटाना पड़ेगा तब जा करके हमको सी टू का वैल्यू क्या होगा निकलेगा, ठीक है। क्योंकि सी टू का जो वैल्यू किसके कारण है, कंप्रेशन स्टील के द्वारा जितना फोर्स कैरिड किया जा रहा है उसके कारण जो है हमारा क्या है उसका कंप्रेशन फोर्स है। उसके निकालने के लिए फॉर्मूला यूटिलाइज करते हैं FSC इंटू ASC माइनस FCC इंटू ASC, ठीक है। अब इसका सारा का नोटिफिकेशन मैंने ऊपर लिखाया था आपको, देखिए आप लिखा हुआ है FSC मतलब स्ट्रेसेस इन कंप्रेशन स्टील, ठीक है, और ये जो है FCC स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील, ठीक है, स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील, ठीक है। तो इसलिए इसको घटाया गया है, ठीक है, क्योंकि ये तो है, ये जो आपका एरिया है FSC यहाँ पे क्या है स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एंड कंप्रेशन स्टील, ठीक है। अब देखो FCC क्या है, स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील, तो दोनों में से क्या करोगे इसको घटा दोगे क्योंकि स्ट्रेस इनटू एरिया हो गया, ठीक है। तो टोटल आप टोटल में से अब जितना वहाँ पे कंक्रीट का एरिया है वहाँ पे स्टील के पास में वो घटा दोगे तो स्टील के कारण कितना कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है वो आपका निकल जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला ये है FSC, यानी FSC ये स्ट्रेस हो गया और एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील हो गया ऐसे, ठीक है, माइनस अब जो स्टील का लेवल है वहाँ पे कंक्रीट का कितना स्ट्रेस है इनटू ASC, दोनों को घटाओगे तो आपको क्या निकल जाएगा, जो आपका स्टील है उस लेवल पे कितना स्ट्रेस एक्ट हो रहा है वो निकल जाएगा। तो पहला तो सिर्फ कंक्रीट के कारण था तो C1 हो गया, दूसरा C2, अब दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स का वैल्यू क्या करेगा निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि चीज़ आपको क्लेरिफाई हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे टोटल कंप्रेशन फोर्स को इक्वेट करते हैं टोटल टेंसाइल फोर्स के बराबर में, ठीक है। तो देखिए टोटल कंप्रेशन फोर्स जो है, टोटल कंप्रेशन फोर्स का जो वैल्यू है ये कितना होगा 0.36 FCK बी इंटू XU यानी C1 का वैल्यू अब प्लस C2, C2 के लिए मैंने बताया था आपको FSC इंटू ASC माइनस FCC इंटू ASC, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, बराबर। अब टेंसाइल फोर्स कितना है 0.36 FCK, सॉरी पहले इसको इक्वेट कर लीजिए 0.36 FCK बी इंटू XU प्लस यहाँ पे ASC दोनों में क्या है कॉमन है तो ASC कॉमन निकाल लिया गया तो ब्रैकेट हो जाएगा FSC माइनस FCC, ठीक है। अब टेंसाइल फोर्स कितना है, टेंसाइल फोर्स का जो वैल्यू है ये है 0.87 FY इंटू ASD, कितना है 0.87 FY इंटू ASD, ठीक है। अब दोनों को क्या करेंगे हम लोग इक्वेट करेंगे जैसे पहले इक्वेट करते थे, दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमें एक वैल्यू मिलेगा जो कि XU का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे, आई होप कि आप लोग इतना तो हो गए हो एबल कि अब इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे XU का वैल्यू जो आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, यानी इसको आप इस साइड लेकर चले जाओ माइनस में और यहाँ पे XU बराबर हो जाएगा पूरा माइनस डिवाइड बाई में 0.36 नीचे आ जाएगा FCK इंटू बी, ठीक है, ये काफ़ी ईजी है आप तो कर सकते हो, ऐसे मैं कर दे रहा हूँ उसको, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, इसको आप कितना लिख सकते हो 0.36 FCK बी इंटू XU बराबर 0.87 FY इंटू ASD माइनस FSC माइनस FCC इंटू ASC, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो आप इतना बराबर इतना हो गया, आप XU बराबर कितना लिख सकते हो, XU बराबर लिख सकते हो आप लोग उधर वाला जो पार्ट है 0.87 FY इंटू ASD, है ना, ASD। अब यहाँ पे आप एक चीज़ माइनस कर सकते हो, माइनस कितना करोगे, माइनस करोगे यहाँ पे FSC माइनस FCC, FSC माइनस FCC इंटू ASC। अब डिवाइड कर दोगे इसको तो डिवाइड करके कितना लिखोगे, नहीं ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये वाला पार्ट 0.36 FCK बराबर पार्ट डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो 0.36 FCK इंटू बी, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखा गया है, मुझे लगता है कि आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो FCC का जो वैल्यू है FSC से काफ़ी कम है, FCC मतलब हो गया कि जो कंप्रेशन कंक्रीट है वहाँ पे मतलब जो स्टील है वहाँ पे कितना स्ट्रेस एक्ट हो रहा है जो कि काफ़ी कम है कंप्रेशन स्टील के स्ट्रेस से, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे FCC को इग्नोर कर देते हैं, तो FCC को इग्नोर करोगे तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा तो ये टर्म इस तरीके से बन जाएगा 0.87 FY into ST माइनस FSC इंटू ASA डिवाइडेड बाई 0.36 FCK इंटू बी। तो इस तरीके से आप वहाँ पे XU का वैल्यू को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो XU का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको सिंपली कंप्रेशन फोर्स को टेंसाइल फोर्स के बराबर क्या कर देना है, इक्वेट कर देना, और इक्वेट करने के बाद में वहाँ पे XU का
जो अरेंजिंग है वो कर लेना है और वहाँ पे एक्स का टर्म को निकाल देना है। ये तो डेरिवेशन है, ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट इसके ही आने वाले हैं सारे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ रहे होंगे। जिन्होंने एनालिसिस ऑफ सिंगल इनवर्स सेक्शन को अच्छे से पढ़ा है उसी को ये लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज़ आप पहले के लेक्चर जाकर देखें तभी जाकर के आपका क्लेरिफाई हो पाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने न्यूट्रल एक्सिस कैसे फाइंड आउट करते हैं, डबल इनफो सेक्शन का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा और डबल इनफो सेक्शन क्या है इसके बारे में हम लोगों ने देखा है। उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी अच्छे से समझे होंगे। चलिए थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।